मदरहुड हाउस कबीर कबीर इज एब्सोल्युटली फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह. डर लग रहा था जब व्हेन यू वर प्रेग्नेंट एंड यू वर अबाउट टू हैव कबीर. कभी कभी ऐसा होता है ना कपल्स को होता है कि यार स्पेशली मैंने सुना जिनकी लव मैरिज होती है कि वो तीसरा कोई आ जाएगा या कुछ एज अ मदर टू बी ऑल्सो यू नो कुछ अप्रिहेंशंस थी इकरा की. मुझे लगता है कि हर किसी की प्रेगनेंसी बड़ी डिफरेंट होती है, हर किसी की जर्नी बड़ी डिफरेंट होती है, हर इंसान मुख्तलिफ होता है तो उसके सोच भी मुख्तलिफ होती है. आई हैड ए वेरी स्मूथ थिंग, तो मतलब मैंने तो किसी को तंग नहीं किया ना, किसी को मैंने कोई परेशान नहीं किया. बस हाँ पता चल गया अच्छा प्रेगनेंट हूँ, अच्छा हाँ पता चल गया बच्चा भी हो गया, ओके. कुछ किसी को कोई मसला नहीं हुआ. बहुत एंड टाइम पे आई स्टार्टेड पोकिंग यास, लाइक यास मुझे ये खाना है मुझे ये खाना. आई यूज़ टू लिटरली वॉच सारे यूट्यूब पे ना एंड में खाने जो बन रहे होते थे कि क्या हो रहा है ये बन रहा है, तो मैं ढूंढ के निकालती थी. मैं बोलती थी लालू खेत में वो बिरयानी वाला है मुझे वो खानी है, मुझे वो खानी है. और फिर कहाँ पता नहीं वो कहीं मुझे अंदर लेके चला गया और फिर हमने वहीं बैठ के कोई नल्ली बिरयानी खाई. ऐसे आई डोंट केयर, मुझे गरम गरम यहीं पे खानी है नल्ली बिरयानी. कहता है दो लोग देख रहे हैं पता नहीं गलियों से कहाँ गए. हम अपने वो मुगैम्बो को पग को भी साथ लेके चले गए, सो ही वॉज ऑल्सो विद अस. तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कोई मसला नहीं, हमें यहीं खानी है. सो इट खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हाट यू आस्क्ड, जो डर और उस चीज़ से रिलेटेड है मुझे नहीं लगता मुझे इतना था, बिकॉज मुझे हमेशा से ना शादी करने का बड़ा शौक था. अच्छा. मुझे यू नो बच्चा भी पैदा करने का बड़ा शौक था. आई एम सेइंग दिस वेरी प्राउडली. आई लव यू फॉर योर ऑनेस्टी, इट्स गुड. मुझे और सब लड़कियों को होता है, अच्छा लगता है सब लड़कियों को होता है, कोई माने ना माने शादी करने का तो सबको शौक है. शादी करने का और बच्चा होने का भी मुझे बहुत शौक था. आई हैव ऑलवेज लव्ड किड्स, मतलब आप मुझे बचपन से ही, मैं हमेशा बच्चों के आसपास, आप मुझे किसी का भी बच्चा दे दो मैं हमेशा उसको इतने प्यार से, और मुझे बस बच्चे बहुत पसंद थे. तो मुझे डर नहीं था, बल्कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे, कबीर लेट ही हो गए थे. सो वी वुड लाइक, इतना इरिटेटिंग हो रहा होगा ना. हाँ हम क्यूरियस थे, हम वेट कर रहे थे, हम कह रहे थे यार अब आ जाए आ जाए आ जाए. सो लाइक यार आ ही नहीं रहा है क्या हो गया. मैंने कहा अल्लाह की चीज़ है, अब आएगा तब आएगा. तो बहुत अजीब सी सिचुएशन थी, वियर्ड भी कह सकते हैं आप, लेकिन डर तो बिल्कुल नहीं था. ओके. आई वाज हैप्पी. या आई वाज वेरी हैप्पी. कबीर की सबसे पहली मेमोरी क्या है आपके जहन में? बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे पास उसकी एक वीडियो है कि अभी आई थिंक ही वाज अ डे ओल्ड, डे भी नहीं कुछ घंटे हुए थे, शायद 1-1.5 बजे ही वाज बॉर्न और शायद शाम के 7 बज रहे थे या कुछ. तो उसकी हमने एक वीडियो बनाई, तो वाज लाइक ऐसे देख रहा है जैसे मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं इतना सुकून में था. वेयर हैव यू गाइस ब्रॉट मी, वेयर आई एम आई, क्या हो रहा है ये. तो वो जो एक वीडियो है और जो उसके एक्सप्रेशंस थे ना, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. तो लुक्स लाइक यू, मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यू नो आई कैन सी द मॉम. क्योंकि जब हम इस्लामाबाद में मिले थे अभी रिसेंटली, तो इकरा मुझे लगनी थी बड़ी ना प्रैक्टिकल किस्म की मॉम है, और बातें भी हमने एक दो की. तो मेरा सवाल नेक्स्ट यही था कि आर यू अ प्रैक्टिकल मॉम, और अगर हैं तो वो इसलिए हो गई है क्योंकि आपकी काम की नेचर ऐसी है कि यू हैव चोजन टू बी अ प्रैक्टिकल मॉम. जैसे मैं बात भी करी थी ना कि आप जाती हैं तो थोड़ा वो होता है या वो आपको, तो यू लाइक नहीं मैंने रखा हुआ है ताकि मुझे लॉन्ग टर्म कभी भी मसला नहीं फेस करना पड़े, मेरा काम ऐसा है. यार मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ. अभी जो बातें बताई थी उससे मुझे प्रैक्टिकली, मुझे तो इमोशनल साइड नजर आ रही थी. इमोशनल में हूँ, इमोशनल में हूँ, लेकिन मैं ऑफ कोर्स कौन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ना जरा दिल पे पत्थर रख के अपनी इमोशनल साइड को, और वो जो भी एक चीज़ होती है ना कि आपका दिल करता है कि आप अपने बच्चे को उठाओ, दिल के करीब रखो, आर्म्स में रखो, कडल करो, ये करो वो करो, मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है. बट आई हैव हिज कॉट इन माई रूम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरा बहुत दिल करता है कि अच्छा ओके आप सो जाओ मैं इसके साथ ऐसे ऐसे हग करके. नाउ ही इज़ अ बिट ओल्ड, तो हग भी कर सकते हैं, कुछ डर नहीं लगता, तो दिल करता है कडल करके सो जाऊँ. लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नो, ही नीड्स टू हैव हिज ओन बेड. सम पीपल वुड थिंक कि यार ये कैसी माँ अपने बच्चे को अलग कर रही है. बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को साइड पे कर देती हूँ कि अच्छा ठीक है, जो जैसा सोच रहा है वो सोचता रहे. मुझे मुझे देखना है कि मेरी लाइफ मेरी रूटीन के हिसाब से मुझे अपने बच्चे को किस तरीके से रखना. बिल्कुल बिल्कुल.
अभी भी जैसे मैं शूट्स पे जाती हूँ तो अम्मी बोलती है बेटा आपको मतलब आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मेरी मामा ऐसी हैं, मेरी अम्मी ऐसी हैं कि मुझे ये चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं. अम्मी बोलती हैं बेटा आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलवेज हैव दैट मॉम गिल्ट. यू व्हेन यू लीव योर किड समवेयर एंड गो टू वर्क यू हैव दैट गिल्ट कि यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, एम आई अ गुड मॉम और नॉट. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर लाइक कबीर एक महीने का भी नहीं हुआ था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगैन. तो मुझे तो बहुत शुरू से ये होता था. तो अम्मी कहती थी बेटा आपको इस तरह की कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ योर करियर, दिस इज़ योर वर्क, यू हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस और मैं हूँ और आप बहुत अच्छा कर रही हो आप जो भी कर रही हो. सो यू डू नॉट हैव टू फील गिल्टी कि यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ. नहीं, वो आपसे ये सीखेगा कि आप इंडिपेंडेंट हो, यू हैव वर्कड हार्ड, यू आर अ वुमन बट यू हैव वर्कड सो हार्ड, यू हैड अ फैमिली, आपने अपने काम को भी संभाला, तो आप एक रोल मॉडल हो, आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ से बड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है आपको, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो. तो यही स्ट्रेंथ फिर मुझे मजीद मेरी प्रैक्टिकलिटी में मिलती है कि यार मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. जैसे कबीर जब पैदा हुआ था तो किसका दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चे को उठाए, तो मेरा भी बहुत दिल करता था मगर मैं इतना शो नहीं करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए जो मैं बात कर रही हूँ और जो मैं शो कर रही हूँ उसमें. तो मैंने सबको बड़ा बोला था कि इसको गोद में नहीं उठाना, इसको गोद में नहीं उठाना. गोद की ऐसे भी आदत पड़ जाती है, ये भी होता है कि गोद में नहीं उठाना, यहाँ पर है बेड पे लेटा हुआ है, नाउ प्ले विद हिम, लव हिम एज मच एज यू वांट, जो भी करना है. तो ज़रा सा थोड़ा सा था सबको, मुझे भी होता था, अम्मी को भी होता था, अम्मी भी लेती थी तो मैं अम्मी को भी बोलती थी. लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे सुनने में आया कि नहीं यार, आपने जो किया आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया. एट दैट टाइम वी वर लाइक यार कि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, ये क्या है, हमें बच्चा उठाना है, वी लव किड्स एंड ऑल. लेकिन फिर उन्हें बाद में समझ आया कि नहीं यार ये सही चीज़ थी. और आप यकीन जाने ये सब मतलब मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है, नॉट इवन माय सिस्टर, मेरे कजन्स या मेरे दोस्त हों जिनके बच्चे हुए हों, जिनका मैंने ये सब कुछ देखा हो और फिर सीखा हो. मैं एक दिन सोच रही थी, मैंने कहा यार ये सब मैंने कहाँ से सीखा है, मेरे आसपास तो कभी किसी का बच्चा नहीं हुआ और मैंने देखा हो ये सब किया हो. एंड जस्ट केम टू मी नेचुरली कि दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू रेज माई किड. बट इट्स इंटरेस्टिंग इकरा, बिकॉज आई फील कि नॉट ओनली लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है. बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपने बिल्कुल उसको इग्नोर किया हुआ है, बट आप एक उसको भी आदत डाल रही हैं, प्यार भी है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस भी है कि उसको भी आदत है कि माँ काम के लिए जाती है, बट माँ इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी एंड नानी तो है, यू नो. मुझे और मुझे ये भी होता है कि ही शुड अंडरस्टैंड दिस कि यार मेरे अब्बू भी जा रहे हैं, ठीक है, अब्बू के लिए आपके बच्चे आर ऑलवेज ओके कि हाँ यार अब्बू ने तो जाना ही है काम पे. तो सही है, हाँ. नहीं नहीं अब्बू ने तो जाना ही है काम पे, कि ये टाइम है, मंडे हो गया है, अब्बू ने काम पे जाना है, चाहे आप ऑफिस से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो. सो आई थिंक यहाँ पे जहाँ पे यासिर और मैं दोनों काम करते हैं, तो आई थिंक इट्स ओके कि मैं अपने बच्चे को ये भी चीज़ सिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी माँ भी काम पे जाती है. इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड यू हैव योर नानी एंड एज सून एज आई मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कल रात को मैं पूरा वक्त नहीं सोई हूँ बिकॉज कबीर वॉजंट वेल, सो ही वॉज लाइक ई ई ई, तो आई वॉज ऑल अप और फिर सुबह मैं ऐसी थी, मैंने कहा ओके आज इंटरव्यू है. तो इस तरह की बहुत रातें होती हैं और आपकी बिल्कुल हंसते खेलते कर देते हो, आपको कोई मसला नहीं होता, यू आर स्मूथली डूइंग इट ऑल एंड यू आर जस्ट, क्योंकि वो आपका बेटा है, आप यू लव हिम, हां अच्छा है, और आई थिंक ये नेचुरली आता है बिल्कुल. तो ये सारी चीजें हैं जो मैं उसके लिए कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक आई एम यू नो टेकिंग ऑल ऑफ दिस फॉर ग्रांटेड और फिर मैं उसको वो भी प्रैक्टिकलिटी भी सिखा रही हूँ, तो मैं ये नहीं कर रही. व्हेनेवर आई गो आउट ऑफ द हाउस, स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, मेरी सारी चीज़ें ये भी होती है कि अच्छा मामा ये आपको सब मैंने करके दे दिया है, मेरे बाद जो अब आपको करना पड़े वो एक अलग बात है, बट हेयर आई एम, आई डिड एवरीथिंग फॉर यू, इट्स ऑल सेट, नाउ आई एम गोइंग फॉर द शूट, ओके बाय बाय. एज सून एज आई कम, रात के 3 बज रहे हो, आई वेंट फॉर अ टी वी सी, तो रात के मैं कोई 3-4 बजे आई, आई वाज लाइक मामा आप मुझे दे दो, हाँ इवन इफ ही स्लीपिंग इट्स ओके आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अम्मी का भी होता है कि यार चाहे जितना भी हो, एंड देन आई want to take that responsibility. I of course do not want to have that mom guilt, yaar kaam karke aa gayi hai thodi si neend puri kar, nahi nahi aap mujhe de do, I
do not want to say it's that. It's very challenging. It's a very confusing thing. But I think you've said it so beautifully ke wo mom guilt ko kitna bhi kare wo kahin na kahin hoti hai, but it's also because you want to. I would not call it guilt, you know, because aap maa hai to of course kaam bhi kar rahi hai, and I think it's quite challenging for working moms, you know. It is.